हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट वाजिद शेख और आप देख रहे हैं लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे एफआईआर क्या होता है, व्हाट इज़ एफआईआर, एफआईआर दर्ज कराने की प्रोसेस क्या होती है, एफआईआर की पूरी जानकारी हम आज के वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे एफआईआर क्या होता है, व्हाट इज़ एफआईआर। एफआईआर का लॉन्ग फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना विवरण पत्र। एफआईआर को सीआरपीसी के सेक्शन 154 में डिफाइन किया गया है। एफआईआर इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस व्हेन दे रिसीव इन्फॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। यानी पुलिस को किसी बहुत गंभीर आपराधिक घटना की यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी मिलती है तो उसके बाद जो सबसे पहले लिखित प्रपत्र यानी डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है उसे एफआईआर कहा जाता है। इसके नाम से ही पता चलता है कि जब पुलिस को किसी भी आपराधिक घटना की सबसे पहले सूचना मिलती है तो उसे एफआईआर कहा जाता है। एफआईआर एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके दर्ज होने के बाद पुलिस को कानूनी रूप से अपराधी को अरेस्ट करने का यानी उसे गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त होता है। उसी तरह से कानूनी रूप से जो क्राइम यानी जो घटना घटी है आपराधिक घटना की कानूनी रूप से इन्वेस्टिगेशन यानी जांच करने का अधिकार पुलिस को प्राप्त होता है। एफआईआर कौन दर्ज कराता है? एफआईआर कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जिसके साथ जो आपराधिक घटना हुई है यानी जो पीड़ित व्यक्ति होता है वही शिकायत पुलिस स्टेशन में करता है, या फिर जिस व्यक्ति के साथ कोई आपराधिक घटना हुई है या फिर उस व्यक्ति का कोई भी रिश्तेदार या फिर जिससे सबसे पहले उस आपराधिक घटना की जानकारी यानी सूचना मिली है वो भी व्यक्ति पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज कराता है। एफआईआर आप मौखिक यानी ओरली भी कर सकते हैं या फिर लिखित यानी रिटर्न में भी आप दे सकते हैं। उसी तरह से आप पुलिस में टेलीफोन से या मोबाइल से कॉल कर भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी जो गंभीर अपराध होते हैं उसमें ही दर्ज करा सकते हैं। इस तरह से एफआईआर में किस तरह की जानकारी देना ज़रूरी होता है? एफआईआर में शिकायतकर्ता का नाम, पता, तारीख यानी शिकायतकर्ता के साथ जो आपराधिक घटना हुई है उसकी तारीख, उसका वक्त यानी समय, उसी तरह से जहां पर वो आपराधिक घटना हुई है उसकी पूरी जानकारी भी देना ज़रूरी होता है। उसी तरह से जो वारदात यानी जो घटना शिकायतकर्ता साथ हुई है उसका पूरा डिटेल यानी ब्यौरा देना ज़रूरी होता है। उसी तरह से उस आपराधिक घटना में कौन कौन शामिल है यानी जो उस आपराधिक घटना में जो व्यक्ति शामिल हैं उनके नाम, उसी तरह से जो आपराधिक घटना में जो गवाह हैं चश्मदीद गवाह हैं उनकी भी जानकारी देना ज़रूरी होता है ताकि एक मजबूत एफआईआर बन सके।